नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकीलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कलंक चोटी। ओके, देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, भयंकर राक्षस सत्रुपा ने कई राज्यों में अपने नाम का आतंक मचा रखा था। मेरा नाम है सत्रुपा। पहले मैं रोज मानव मारने मानव की बस्ती में जाता था। अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे रोजाना 2 मानव के मांस की आवश्यकता होती है। 2 मानव को पकड़ने के चक्कर में 5 खामाखा ही मारे जाते थे। इस बात से मैं बड़ा दुखी था, क्योंकि ऐसे मानव को गीदड़, कुत्ते, सियार इत्यादि खा जाते थे। ऐसे कई मानव व्यर्थ ही चले गए। हे मेरे इष्टदेव तपेदिक, तूने ही मुझे मेरी प्रार्थना पर यह रास्ता सुझाया और मैंने मानव की बस्तियों में जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम बना दिया, जिसके अंतर्गत मैंने मानव की जरूरत की सभी वस्तुओं को अपने कब्जे में लेकर यहाँ पारचून की दुकान खोल दी। हमारे यहाँ पर आग लगाने वाला चकमक पत्थर, आटा, घी, तेल, नमक, मिर्च, दालें, मसाले, सब्जियां, फल, दूध, सभी कुछ उचित मूल्य पर मिलता है। और मूल्य है मानव बिरयानी। मानव बिरयानी देकर मानव अपने आवश्यक आवश्यक की सभी वस्तुएं यहां से ले जा सकते हैं। इस प्रकार फालतू मानव मेरे हाथों मरने से बच जाते हैं। इसमें मानव का भी लाभ है। मेरे राक्षस कर्मचारी मानव की बस्ती से रोजाना सभी आवश्यक वस्तुएं ले आते हैं, मगर दुकान खोलने से पहले इष्ट देव तपेदिक की पूजा आवश्यक है। इससे धंधे में बरकत आती है। लो, तुम भी तपेदिक देवता का प्रसाद लो। बस एक ही छिपकली? ये प्रसाद की छिपकली है कुरूपा, भोजन नहीं है जो तुझे पेट भरकर छिपकलियां खाने को दे दूं। चलो अब धंधे पर ध्यान दो, मैं गल्ला संभालता हूं। लो, मानव बिरयानी के थाल आ गए। इन मानव को इनकी आवश्यकता की सभी चीजें दे दो। विशालगढ़ के बैरी 3 देश, तीनों देशों का कमजोर राज्य सम्मेलन करास। हम अकेले अकेले कमजोर एवं शक्तिहीन हैं, किंतु तीनों मिलकर शक्तिशाली हैं। मगर विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह की शक्ति के आगे हम बिल्कुल शक्तिहीन हैं। कमजोर राज्य सम्मेलन का नेतृत्व कर रहा था राजा हमेशा मार खा। मैंने आप सबको यहां इसलिए एकत्रित किया है ताकि हम राजा विक्रम सिंह के कांटे को उखाड़ फेंके और आसपास के राज्यों में अपने धाक जमाएं। परंतु ये होगा कैसे? ये काम राक्षस शत्रुपा करेगा। हम उसे रोजाना मानव बिरयानी किस लिए भेजते हैं? अगर हम उसे विशालगढ़ और राजा विक्रम सिंह के बारे में बता दें तो वो पूरे विशालगढ़ को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल कर देगा, जबकि विक्रम सिंह बगावत करेगा और राक्षस के हाथों मारा जाएगा और हम भी ये नजारा देखने जाएंगे। वाह, ये तो कमाल की योजना है। तीनों राजा मित्रता का प्रस्ताव लेकर राजा विक्रम सिंह के पास जा पहुंचे। मित्रता के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती, मित्रता तो हमें हर हाल में मंजूर है। क्यों बाकेलाल? जी हाँ महाराज, इन तीनों की कपटी सूरत देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि ये मित्रता करने आए हैं, पर मुझे क्या। शत्रुपा ने अपना संदेश राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचाया। क्रीं क्रीं, डांकिया डांक लाया, फड़ फड़। अरे, ये चील अंदर कैसे घुस आई? भगाओ इसे। इससे पहले कि सैनिक भालों से चील को भगा देता, ठहरो, इसके पंजे पर कोई संदेश बंधा है। चील के पंजे पर बंधा संदेश किसी नेक इंसान का तो नहीं हो सकता। संदेश तुरंत पढ़ा गया। तब महाराज, शत्रुपा की यह जबरदस्ती हरगिज बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। यही तो हम भी चाहते हैं। बाकेलाल, क्रोध से नहीं, अकल से काम लेना होगा। मैं तो अकल से ही काम ले रहा हूं। अगर शत्रुपा को मानव बिरयानी यानी नहीं भेजेंगे तो यहां आकर मोटे मुच्छड़ मनुष्य राजा विक्रम सिंह को मार डालेगा। किंतु बाकेलाल की मनसा पूरी ना हुई। विशालगढ़ की ओर से राक्षस शत्रुपा को मानव बिरयानी भेज दी गई। वो तीनों राजा तो कह रहे थे कि राजा विक्रम सिंह बहुत शक्तिशाली शेर राजा है, मगर मेरा नाम सुनते ही वो चूहा बन गया।
वाह, ये बिरयानी तो आज तक खाई सभी बिरयानियों से सबसे अधिक स्वादिष्ट है। चबर चबर, किंतु शत्रुपा विशालगढ़ के मानव चबाए क्यों नहीं जा रहे हैं? मानव ठीक से गले नहीं होंगे। इस बिरयानी को खाकर तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया शत्रुपा, पेट में दर्द तो मेरे भी हो रहा है। बू हन सड्डा क्यों होगा? तीनों राजा परेशान थे। महाराज, हम नहीं जानते थे कि आप राक्षसों की धमकी से भयभीत होकर निर्दोष लोगों को बिरयानी में झोंक कर शत्रुपा को भिजवा देंगे। हम तो आपको बहुत बहादुर समझते थे। महाराज हमेशा मार खा, आप क्रोधित ना हो, वास्तव में बिरयानी में असली आदमी नहीं छोके गए थे। बल्कि वो ब्रिज से निकलने वाले चबर चबर नाम के पदार्थ के बने लचीले मानव भूत थे, जिन्हें महल में सजाने के लिए बनाया गया था। बिरयानी में चावलों के बीच पकने के कारण उनके असली नकली का भेद मिट गया था। ये पदार्थ अगर पेट में चला जाए तो भयंकर दर्द एवं ऐंठन पैदा करता है, जिसका उपचार दुनिया में कहीं भी नहीं है। और ऐसा करने की सलाह मुझे बाकेलाल ने दी थी। मैं तो सोच रहा था कि जब शत्रुपा को असलियत पता लगेगी तो ये वो यहाँ आकर मोटे को मार डालेगा। दर्द वाली बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी। राजनीति यही कहती है, शत्रु की एक समस्या से छुटकारा पाना हो तो उसे दूसरी समस्या में उलझा दो। अब वो पहले अपने दर्द के उपचार के बारे में सोचेगा, बाद में मानव बिरयानी के विषय में। भेड़ा गर्ग, मोटे मुच्छड़, राजा विक्रम सिंह को मारने की अब कोई दूसरी योजना बनानी पड़ेगी। तीनों राजा भी भुनभुनाते हुए महल से बाहर निकले। राजा विक्रम सिंह की कारस्थानी के बारे में शत्रुपा को बताना चाहिए, ताकि वो और भी क्रोधित हो उठे। शत्रुपा उस समय अपने इष्ट देव तपेदिक की शरण में आ पहुंचा था। हे इष्ट देव तपेदिक, पचनोला और हममोला भी काम में आया, इस दर्द से छुटकारा दिलाओ। शत्रुपा, इस पीड़ा से छुटकारा पाना सरल नहीं। यही वो समय था जबकि राजा हमेशा मारखा इत्यादि भी वहां आ पहुंचे थे। अगर तीन राजा अपनी इच्छा से यहां पर आकर अपने हाथों से अपना गला काट कर अपने जीवन का बलिदान करे तो तुम्हारी पीड़ा कम हो सकती है, फिर तो काम बन जाएगा शत्रुपा। क्योंकि वो तीनों राजा अभी विशालगढ़ में होंगे, हम उनको डरा धमका कर ऐसा करने पर विवश कर देंगे। नहीं, अगर हमने उनको मार दिया तो हमें मानव बिरयानी मिलनी बंद हो जाएगी। भागो, ये तो हमें मार डालेंगे। नहीं रुको, पूरी बात सुनने दो। हे इष्ट देव तपेदिक, कोई और रास्ता भी दोगा? हाँ, एक रास्ता और है, किंतु वो थोड़ा कठिन है। बाकेलाल को तब तक अपनी नई योजना के ताने बाने बुन बाकेलाल भी तब तक अपनी नई योजना के ताने बाने बुनता हुआ उधर ही आ निकला। आप सरल कठिन के चक्कर में ना पड़े इष्टदेव तपेदिक, और मुझे वो रास्ता बतावें जिससे हमारा पेट दर्द ठीक हो जाए। वत्स शत्रुपा, दूसरा उपाय है कलंक चोटी। उत्तर दिशा में बने काले कुएं में कलंक चोटी का निवास है। ओह, तो ये है शत्रुपा, मगर यहां पर हो क्या रहा है? कलंक चोटी? हाँ वत्स शत्रुपा, कलंक चोटी एक यक्ष है। उसकी चोटी में तीन गांठें लगी हुई है। अगर तू उनमें से एक भी गांठ खोल देगा तो ना सिर्फ तुम्हें दर्द से छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि आसपास के सभी राजा स्वयं तुम्हारी शरण में तुम्हारी गुलामी कबूल करने भी चले आएंगे। ओह, किंतु तू चाहे तो बाकी की गांठें भी खोल सकता है, उससे तेरा लाभ होगा। कैसा लाभ? वही तो मैं बता रहा हूं, उसकी चोटी की पहली गांठ खोलने पर मिलेगा खजाना। खजाना? खजाना? हाँ, दूसरी गांठ खोलने पर मिलेगा चांदी का महल। चांदी का महल? चांदी का महल? चांदी का महल? और तीसरी गांठ खोलने पर मिलेगा विशालगढ़। वो विशालगढ़, वो मारा। प्रसन्न तो तीनों राजा भी हो गए थे। विशालगढ़? चलो, हम तीनों शत्रुपा से पहले ही कलंक चोटी तक पहुंचकर उसकी सारी गांठें खोल डाले। ठहरो, पूरी बात सुनने दो। किंतु वत्स शत्रुपा,
एक बात का ध्यान रहे, ऋषि गांठाचार्य के साप के अनुसार उसकी प्रत्येक गांठ खोलने से पूर्व एक पाप करना बेहद अनिवार्य शर्त है, अन्यथा चोटी की गांठ खोलते ही गांठ खोलने वाले की अक्ल में गांठ पड़ जाएगी और बुद्धि कुंद हो जाएगी। अच्छा शत्रुपा, अब बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूं। शत्रुपा, जल्दी से चलकर कलम चोटी की तीनों गांठें खोल दो। इस काम में जल्दी नहीं हो सकती, प्रत्येक गांठ खोलने से पहले एक पाप भी तो करना पड़ेगा। बाकेला ने अब एक पल भी वहां ना रुकने का फैसला किया। कलम चोटी की प्रत्येक गांठ खोलने पर मिलेगी शानदार वस्तुएं और सारी गांठ खोलने पर मिलेगा विशाल गढ़, जिसे पाने के लिए मैं कब से मरा जा रहा हूँ। विशाल गढ़ मिलने की खुशी में कितना खुश हो रहा है। आस्तीन का सांप कहीं का गुर। कलम चोटी काले कुएं में पड़ा अपने बुरे दिन गिन रहा था। हे पसीस देवता, ऋषि गांठाचार्य ने मेरे चोटी पर तीन गांठे बांध दी है और मुझे काले कुएं में रहने पर विवश कर दिया है। अगर सभी गांठे खुलने से पहले मैंने कुएं से निकलने की चेष्टा की तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। तेरी व्यथा सुनकर मैं पसीज गया वत्स कलम चोटी, किंतु तूने ये तो बताया ही नहीं कि ऋषि गांठाचार्य ने तुझे ऐसा साप क्यों दिया। दो दिन पहले की बात है, मैं वन से गुजर रहा था। कमाल है, पत्तों में गांठे, टहनियों में गांठे, घास में गांठे, या हर ओर गांठे ही गांठे किसने बांधी है। कि तभी मुझे वहीं पर तपस्या करते ऋषि गांठाचार्य ने पुकारा, ये गांठ मैंने बंधवाई है, वत्स तनिक निकट आओ। यहां से गुजरने वाले को एक गांठ और से मारनी पड़ती है, अन्यथा वो जिंदगी भर कहीं पर भी गांठ नहीं मार पाता है। बिना गिट्ठा मारे तो गुजारा ही नहीं है, 50 जगहों पर गांठें मारनी पड़ती है। सबसे जरूरी तो नारे की गांठ है, वो मारे बिना तो बिल्कुल ही गुजारा नहीं है। मगर मैं गिट्ठा कहां पर मारूं? यहां तो कहीं पर गिट्ठा मारने की जगह ही नहीं है, सभी पत्तों में गांठें लगी है, घास पर, तिनकों पर, टहनियों पर, शाखाओं पर, आपके वस्त्रों पर, बालों में, सभी जगह तो पहले से ही गांठें लगी है। ये सोचना मेरा काम नहीं है वत्स, यहां पर गांठें बांधने का स्थान ढूंढना कठिन कार्य तो है, किंतु वह स्थान तुझे स्वयं ही ढूंढना होगा। किंतु स्थान ढूंढने के चक्कर में रहा तो जंगल की राजकुमारी झाड़ी का स्वयंवर समाप्त हो जाएगा और मैं उसमें हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। स्वयंवर में उसने मुझे ही वरमाला डालनी है, अन्यथा वो अपने प्राण दे देगी, किंतु तू बिना गीठा मारे यहां से नहीं जा सकता। ऋषि के बच्चे ने मुझे फंसा दिया, आज तक मैंने केवल पाप ही पाप किए हैं, जिसके कारण इसी सप्ताह मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु राजकुमारी झारी के पुण्य से मेरे पाप कट जाएंगे, इसलिए ही तो मैंने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया था, किंतु अब ये खुशक ऋषि सारा खेल बिगाड़ने पर तुला है। बड़ी कठिनाई से आखिर मुझे एक ऐसा कीड़ा मिल गया जिसकी लंबी मूछें थी। नहीं, ऐसा मत कर दुष्ट, मेरी मूछों पर गांठ क्यों बांध रहा है। अब तो स्वयंवर में हिस्सा लेने जा सकता है। मुझे ये बात नहीं पता था कि दरअसल वो कीड़ा एक ऋषि था जो सांप के कारण कीड़ा योनि भुगत रहा था। दोस्त, मेरी मूछों पर गिट्ठा डालकर तूने मेरी सांप की अवधि 5 वर्ष और बढ़ा दी है, अब मैं चला स्वयंवर में हिस्सा लेने। दोस्त कलंकी, मैं तुझे साफ देता हूँ कि तू जिस उद्देश्य से राजकुमारी झाड़ी के पास जा रहा है वो कभी पूरा नहीं होगा। ये बात मुझे तब पता चली जब मैं स्वयंवर में असफल होकर क्रोध से आग बबूला होता हुआ वापस ऋषि गांठाचार्य के पास पहुंचा। कलम चोटी, तू पुनः यहां आया है, तुझे एक गीठा और लगानी होगी। इस बार मैंने कहीं से एक रस्सी ढूंढी और उस पर एक गीठा लगाकर उसे ऋषि गांठाचार्य के गले में डाल दिया। अब यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को गीठा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुष्ट, मैं तुम्हें साफ देता हूँ कि तेरी चुटिया में 3 गांठ लग जाएगी और तू काले कुएं में रहेगा। अगर तूने चुटिया की गांठ खोलने से पूर्व कुएं से बाहर आने की चेष्टा की, जलकर भस्म हो जाएगा
गांठ खोलने वाले व्यक्ति को प्रत्येक गांठ खोलने से पूर्व एक पाप करना होगा, ऐसा कोई करेगा नहीं, इस प्रकार तू कभी सांप मुक्त नहीं होगा। और तब से मैं यहीं पर बैठा था, तुम्हारी तपस्या कर रहा था। पसीज देवता, तेरी व्यथा सुनकर मैं और भी पसीज गया वत्स। अब तू ये बता कि मैं तेरी क्या मदद करूं। मेरी चुटिया की गिठा खुलवा दो ताकि मैं काले कुएं से बाहर निकल सकूं और यम देवता को प्रसन्न करके अपने मृत्यु का योग टलवा सकूं। देख भाई कलंक चोटी, मैं लोगों को दुखी देखकर पसीजता तो हूं, मगर अब इतना भी नहीं पसीजता कि आंखें बंद करके पापियों की भी मदद कर दूं। मैं तेरी मदद तो अवश्य करूंगा, किंतु पहले तू मुझे सुधर कर दिखा। मैं तुझे सुधरने के 3 अवसर देता हूं, तू मुझे अपने सुधरने के साक्ष्य लाकर देगा। अगर मुझे लगा कि तू सुधर गया है तो तब मैं तेरी चोटी की गांठें खोलकर तुझे सांप मुक्त कर दूंगा। इतना कहकर पसीज देवता अंतर्धान हो गए। कलम चोटी की गांठें अतिशीघ्र खुलने वाली थी, क्योंकि तीनों राजाओं में जंग इसी बात को लेकर आरंभ हो गई थी। देख राजा कत्ले आजम, मान जा तू धर्म कर्म वाला आदमी है, जबकि गिठा खोलने से पहले पाप करना आवश्यक है। तू चोटी की गांठ खोलने का इरादा बदल दे और मुझे ही सारी गांठ खोल लेने दे। धर्म कर्म गया भाड़ में, सारी गिठाएं तो मैं ही खोलूंगा। तो फिर सिर पर डंडा मारकर पहले मैं तेरी खोपड़ी ही खोल देता हूं। आह, मैं भी तेरा सिर काटे बिना नहीं मरूंगा, मेरे मूर्छित होकर गिरने से पहले ही सिर कटवा लियो। लड़ते लड़ते जल्दी ही तीनों राजा थक 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 कर चूर होकर गिर गए। तब मेरे विचार से हमें मिलजुल कर गांठें खोलनी चाहिए। हम में से कौन सी गांठें कौन खोलेगा ये तय करने के लिए हम पुगम पुगाई कर लेते हैं। हमें लड़ाई से पहले ही ऐसा कदम उठाना चाहिए था। जब तक हेकड़ी ना निकल जाए तब तक अकल नहीं आती। बाकीलाल के सामने एक बहुत बड़ा अवसर था विशालगढ़ को प्राप्त करने का। ये ऐसा अवसर है जिसमें मुझे राजा विक्रम सिंह को मारने की योजना बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ भी हो जाए, अब वो तीनों गांठें मैं ही खोलूंगा, मगर प्रत्येक गांठ खोलने से पूर्व एक पाप करना होगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले चलकर ये देखना है कि काले कुएं में कलंक चोटी है भी या नहीं। बाकेलाल ने काले कुएं के पास पहुंचकर कुएं में झांका। कलंक चोटी, मेरा नाम बाकेलाल है, मैं तुम्हारी गांठें खोलने आया हूं। पाप करके आया है? बस वही तो करने जा रहा हूं, मेरी प्रतीक्षा करना। बाकेलाल, कहीं तेरे पापों का घड़ा ना भर जाए। बाकेलाल की कुशाग्र बुद्धि अब बड़ी तीव्रता से चलने लगी। 3 गिठाएं खोलने के लिए 3 पाप करने होंगे, किंतु पाप करूं क्या? मुझे जो कुछ भी करना है अतिशीघ्र ही करना होगा, वरना कहीं मुझसे पहले आकर शत्रुपा ही कलंक चोटी की गिठाएं ना खोल दे। बाकेलाल के वहां से जाते ही आधम का शत्रुपा, पेट का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। कलंक चोटी, मैं तेरी गिठाएं खोलने आया हूं, पाप करके आया है? बस वही तो करने जा रहा हूं, मगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये पाप होता क्या भला है और इसे करते कैसे हैं? हमने तो कभी किए नहीं, क्या तुम बता सकते हो? अवश्य, कुएं पर लटकी बाल्टी नीचे फेंको। मैंने अपनी मूर्ति इसमें रख दी है, अब तुम इसे ऊपर खींच लो और किसी मंदिर में ले जाकर भगवान की मूर्ति के स्थान पर रख दो। मूर्ति को अच्छी तरह से पुष्प मालाओं से ढक देना ताकि लोगों को संदेह ना हो। फिर जब लोग भगवान के स्थान पर शैतान की पूजा करेंगे तो इससे बड़ा पाप और क्या होगा? अच्छा, तो ये पाप होता है? मगर ये क्या, ओह, मूर्ति हाथ से छूट गई। ये क्या किया, मूर्ति गिराकर तोड़ दी? अब मैं क्या करूं, दूसरी मूर्ति बनाने में बहुत समय लगेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं 3 रूप बदल सकता हूं। मैं स्वयं तुम्हारी मूर्ति बनकर बैठ जाऊंगा और किसी को संदेह भी नहीं होगा।
जल्दी वापस आना। अब मैं 25 देवता को प्रसन्न करता हूँ, क्योंकि मंदिर में मूर्ति रखवाने के पीछे मेरा दो प्रयोजन थे। एक तो शत्रुपा के हाथों पाप हो जाएगा, दूसरा मैं 25 देवता को अपने सुधरने का प्रमाण भी दे दूंगा। शत्रुपा 3 रूप बदलने में माहिर था। ये शनि देवता का मंदिर है, किसी को कानों कान खबर नहीं है। और मैं शनि देवता की मूर्ति के स्थान पर कलंक चोटी की मूर्ति बनकर बैठ गया। शनि के भक्त पूजा करने पहुंचते ही होंगे। शनिवार के दिन शनि देवता की पूजा के लिए सैकड़ों भक्त पहुंचते थे। विशालगढ़ पर शनि देवता की बहुत कृपा है। ऋषि शनि सचराचार्य ने कहा था कि अगर विशालगढ़ वासी प्रत्येक शनिवार को सायंकाल में शनि देवता की आराधना पूजा अर्चना करेंगे तो कोई भी दुख उनके निकट नहीं फटकेगा। बाकेलाल का मस्तिष्क भी पाप करने की योजना सोच चुका था। इससे बड़ा पाप और क्या होगा कि मैं जाकर शनि देवता की मूर्ति को खंडित कर दूं और लोग अपने इस देवता की पूजा ना कर पाए। क्या पता इससे रुष्ट होकर शनिदेव विक्रम सिंह के मृत्यु का योग पैदा कर दे। आखिर ये मंदिर उसी ने बनवाया था। खचाक, इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।